तो कैसे हो मेरे भाइयों, मैं आजन करने वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो कोटक का रिवॉर्ड पॉइंट्स आता है उसको कैसे आपको जो कैश रिडेम्पशन होता है, कैशबैक रिडेम्पशन भी बोल सकते हैं आप इसको, इसमें क्या होता है कि आपको वाउचर वगैरह नहीं रहते हैं। अगर आप वाउचर चाहिए तो उसके अलग से ऊपर वीडियो बनाया मैं, उसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कैशबैक्स के द्वारा, जैसे कि आपको पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा मैं आपको जो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट होता है। तो यहाँ पे पहले आपको अपने कोटक ऐप को खोल लेना है। यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग, ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देख पाएंगे क्रेडिट कार्ड, तो आप नीचे यहाँ पे लॉग इन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वेरियस ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए कोटक रिवॉर्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, लास्ट में कॉर्नर में एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट्स रहेगा कोटक क्रेडिट कार्ड में, वो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे मेरे केस में 1704 है, तो इसको मैं अभी रिडीम करना है। तो बस आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैशबैक ऑप्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो आप जैसे यहाँ पे कैशबैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर मान लीजिए आप नहीं भी क्लिक करते हैं, नीचे ऑप्शन आता है आपको, तो कैशबैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेज रीलोड होगा। और रीलोड होने के बाद नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इसको, तो कुछ इस तरह का ऑप्शन दिख जाएगा, कार्ड टाइप कार्ड नंबर। तो आप देखिए यहाँ पे कार्ड टाइप और कार्ड नंबर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कार्ड टाइप मेरा क्रेडिट कार्ड है, और यहाँ पे देखिए कार्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे केस में एक ही कार्ड है तो इसीलिए यहाँ पे एक ही दिखा रहा है। तो मल्टीपल कार्ड है तो वहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरा रिवॉर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे 1704 है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको रिडीम कर सकते हैं वो आप, जैसे यहाँ पे 1700 है तो पूरा 1700 आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको मल्टीपल ऑफ 400 डालना है। तो मतलब 4 का टेबल अगर आपको पता होगा तो 400 रिवॉर्ड्स डालेंगे तो 100 रुपीज़ है, और उसके बाद 800 डालेंगे तो 200 रुपीज़ है। तो रिवॉर्ड पॉइंट के हिसाब से तो आपको मल्टीपल ऑफ 400 डालना है। तो 4, 4 2 जाए 4, 3 जाए 12, ऐसे डालने के बाद आप यहाँ पे सब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डाल के दिखाता हूँ। तो मेरे केस में देखिए 1600 रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करूँगा, क्योंकि 1800 है नहीं मेरे पास, 1700 ये लेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1600 डालने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली यहाँ पे 400 यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। अब जो भी ऑप्शन है यहाँ पे सबमिट के ऊपर आई अग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा समरी दिखा देगा आपको। समरी दिखाने के बाद आप देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कर दें। प्रोसीड के ऊपर प्ले करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी हमारा ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो चलिए हम उसका वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है सक्सेसफुली यहाँ पे रिडीम हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये आपके क्रेडिट कार्ड में ऑटोमेटिकली मतलब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा एज ए कैशबैक। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड में अगर कोई अमाउंट यूज़ करते हैं तो उसमें ये माइनस हो जाएगा। तो ये पूरा अमाउंट विड्रॉल का है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि कैसे आपको कैशबैक यहाँ पे रिडीम करना है एज ए कैशबैक आपका जो कोटक रिवॉर्ड पॉइंट्स होता है। अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी कार्ड से रिलेटेड, किसी भी बैंक से रिलेटेड, कंप्यूटर टिप या टॉपिक के रिलेटेड आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में पूछिए, या डायरेक्टली आप मुझे DM कर सकते हैं। तो आप ज़रूर जाके मेरे और भी वीडियोज़ को चेकआउट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।